ये कह रहा हूँ जब वो टाइम ना ले उसको आना पड़ेगा पास उस महिला ने चौकी में प्रकरण दिया लेकिन चौकी वालों ने उसकी कार्रवाई न करके 151 में एक व्यक्ति को केवल भेज दिया जबकि 25 लोग उसके घर में धावा बोले थे और धावा बोलने के साथ उस महिला के साथ इतनी बदतमीजी की उसकी गाड़ी तोड़ दी गई उसके उसके बच्चे का मोबाइल छीन लिया गया। चलिए हम सीधे बात करते हैं उस महिला से क्या प्रकरण हुआ था क्या नाम है आपका शीलू गौड़ क्या मामला है कल मेरे घर में रामू अवस्थी अपने साथ 20-25 लड़कों को लेके आए थे जो लाठी डंडों के साथ में थे और उन्होंने आते ही मैंने उनका लड़ाई का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और बोली तू हट 20 से। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं जरोली मंडल की महिला मोर्चा की सेक्टर अध्यक्ष हूँ तो उन्होंने कहा तू कितनी बड़ी नेता है हट किनारे। उन्होंने मुझे धक्का दिया और हटाया और उसके बाद जब मेरे भाई मेरे बच्चे ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने उसका फ़ोन छिना लिया। जब दूसरे लड़के ने वीडियो बनाया तो उसको छिना रहे दिल पर तो उसका छिना नहीं पाए और वो लोग लाठी डंडा चलाने लगे। वो मेरे हस्बैंड के ऊपर लाठी चला रहे थे लेकिन उनको किसी ने धक्का दिया तो उन्होंने फिर मेरी गाड़ी तोड़ दी और जब फिर उसके बाद गाड़ी तोड़ दी तो जो जो उस वक्त जो मामला हो रहा था क्या उसका वीडियो बना है कि नहीं बना है? जी हाँ उसका वीडियो बना था मेरा लड़का बना रहा था बट उसका मोबाइल छीना लिया गया लेकिन दूसरे लड़के के मोबाइल में पूरा वीडियो बना हुआ है। तो पुलिस के पास आप गई तो पुलिस ने क्या बताया क्या कहा? मैं पुलिस के पास गई तो उसकी गाड़ी मतलब हम लोगों के पास थी गाड़ी उसकी पुलिस वाले ले गए और जब चौकी में पहुंची उन्होंने चौकी बुलाया तो वहां पे उसकी गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी लेने चौकी गया वो वहां बैठा हुआ था और जब मुझसे मतलब पूछा गया मैंने उससे कहा तो वो कहने लगे कि आप अपनी एप्लीकेशन लिखे। उन्होंने मेरे पर बहुत प्रेशर बनाया एप्लीकेशन लिखने की। मैंने एप्लीकेशन लिख के उनको दी जो जो मेरे साथ हुआ मैंने सब उनको एप्लीकेशन में लिख के दिया। तो एप्लीकेशन जब आपने दी थी तो रात में पुलिस ने उसको बंद कर दिया था फिर सुबह सुबह क्या सुबह आप आला अधिकारियों से मिली हैं क्या? रात को उसको बंद कर दिया गया था और मुझसे कहा कि एप्लीकेशन लिखा कि आप घर जाइए। मैं तो अपने घर चली आई थी फिर रात में 1-1.30 बजे के लगभग मेरे पास कॉल पे कॉल आना शुरू हो गई जिसमें मुझे समझौता के लिए प्रेशर डाला गया। ये भी कहा गया कि आप आइए या समझौता कर लीजिए वो आपके घर आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके बच्चे के मोबाइल के पैसे भी देगा लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। मैंने कहा आप सुबह आके माफ़ी मांगिए बेइज्जती मेरी सबके सामने हुई है रात में हुई है रात में 1 बजे मुझे ना माफ़ी नहीं मंगवानी आप सवेरे आइए। फिर उन्होंने मतलब हमने फिर फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने मुझे 1 घंटे तक परेशान किया। तो क्या आप थाने आई थी क्या उसके बाद? जी हाँ हम सवेरे जब थाने आए तो मैंने अपने वो थाना अध्यक्ष के पास मैं गई एप्लीकेशन दी तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं देखी मेरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी और मुझसे कहने लगे इसको 151 में छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा जो 151 में क्यों छोड़ा जाएगा उनके साथ जो और लड़के आए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना उनको बुलाया गया तो कैसे छोड़ दिया जाएगा। जिस लड़के ने मेरे साथ अभद्रता की मेरा फ़ोन छिनाया मेरी गाड़ी तोड़ी मेरे कपड़े फाड़े उनके साथ कोई वही नहीं उसको किस धारा पे 151 में भेज दिया मेरी आंखों के सामने उसको भेज दिया गया। तो कैसी अभद्रता की थी आपके साथ क्या क्या किया था उन लोगों ने जो लड़के आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया? मुझे मैंने अपना परिचय दिया कि मैं जरोली मंडल की महिला मोर्चा से अपने सेक्टर की अध्यक्ष हूँ तो उन्होंने मुझे गाली अली दी और धक्का दिया हटाया मेरे कपड़े फाड़ दिए छीना झपटी की मेरे साथ। तो जो कपड़े फाड़े थे क्या इस बात को पुलिस के सामने समक्ष रखा आपने? जी हाँ मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा मैंने ये सब अपने थाना अध्यक्ष को भी बताया तो उन्होंने कहा इसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं ज़्यादा करोगी तो दोनों पक्षों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको भेज दिया गया वो मेरे सामने है उनको भेज दिया गया और वो यहाँ से अच्छे खासे होके चले गए यहाँ से और मैं अभी भी यहाँ पे थाने में खड़ी हूँ मेरी कोई ये कह रहा हूं